दिल्ली पुलिस आज दर्ज कर सकती है शशि थरूर का बयान। सुनंदा पुष्कर की मौत पर अभी तक नहीं लिया गया है आधिकारिक बयान। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच कर रहे एसडीएम ने अनौपचारिक तौर पर शशि थरूर से की बात। सुनंदा की मानसिक हालत के बारे में जानने की कोशिश। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद शशि थरूर से फिर बात कर सकते हैं एसडीएम। सुनंदा के बारे में लेंगे जानकारी। शनिवार को वसंत विहार के एसडीएम ने दर्ज किया लीला होटल के वेटर का बयान। शशि थरूर के ड्राइवर का भी बयान दर्ज। सुनंदा की मौत की वजह का अभी तक नहीं हुआ है खुलासा। सूत्रों के मुताबिक डिप्रेशन और नींद की दवा के ओवरडोज से हुई मौत। सूत्रों के मुताबिक 17 जनवरी को थरूर के होटल से जाने के बाद सलामत दिखी थी सुनंदा। थरूर के कर्मचारी ने पुलिस से किया दावा। सुनंदा के फोन के बीबीएम डिटेल्स की जांच कर रही है पुलिस। मौत की वजह का पता लगाने की कोशिश। शशि थरूर के घर जाकर सोनिया गांधी ने जताई संवेदना। राजीव शुक्ला, मुकुल वासनिक और अंबिका सोनी ने घर पहुंचकर दी सांत्वना। शनिवार शाम दिल्ली के लोधी स्टेट शमशान घाट में सुनंदा पुष्कर का अंतिम संस्कार। बेटे शिव मेनन ने दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार में शामिल हुए कई केंद्रीय मंत्री, कई राजनेताओं ने घर पहुंचकर जताया शोक। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने पिछले साल जुलाई में शशि थरूर को भेजा था मेल, लिखा था सुनंदा और आपके बीच सब ठीक हो जाएगा। ईमेल में मेहर ने माना था उन्हें लेकर शशि थरूर और सुनंदा के बीच था विवाद, जल्द सब कुछ ठीक होने का दिलाया था भरोसा। शशि थरूर ने जवाबी ईमेल में लिखा था तुम मेरे दिमाग में हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह रहोगी, एक दिन आएगा जब हम तीनों बैठकर सभी गलतफहमियों को दूर कर लेंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच की मांग, कहा कई विवादों से घिरी थी इसलिए जरूरी है जांच। वो क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, उनकी पत्नी का ये हो तो मुझे लगता है कि देश को पूर्ण रूप से पता होना है। मैं तो चाहता हूं कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद का आज आखिरी दिन, आज रामलीला में बोलेंगे नरेंद्र मोदी। सुषमा स्वराज पेश करेंगी राजनीतिक प्रस्ताव, राजनाथ और लालकृष्ण आडवाणी भी देंगे भाषण। बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की राह चली, मिस्ड कॉल कर बन सकते हैं पार्टी के सदस्य। गंजों पर राहुल के बयान पर अरुण जेटली का जवाब, कहा है ऐसी पार्टी भी है जो बाल कटाने और कंघी पर ले सकती है कमीशन। ये बहुत बड़ा पुराना तीसरा राजनीतिक दल भी इस देश में है और वो राजनीतिक दल वो है चाहे कंघी बिके चाहे बाल कटे उसमें अपनी कमीशन मांग लेता है। मोदी पर आपत्तिजनक बयान देकर पार्टी में अकेले पड़े मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस ने किया किनारा। कांग्रेस महासचिव अजय माकन का बयान, कहा पार्टी उनके बयान से नहीं है सहमत। आम आदमी पार्टी ने बिन्नी को दिया था कारण बताओ नोटिस, 24 घंटे में मांगा था जवाब। जंतर मंतर पर आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ लेफ्ट का प्रदर्शन, खिड़की एक्सटेंशन में अफ्रीकी मूल के लोगों से दुर्व्यवहार का करेंगे विरोध। कानून मंत्री सोमनाथ भारती और पुलिस के बीच हुई थी नोकझोंक, नाइजीरिया के लोगों पर भारती ने लगाया था ड्रग्स और वेश्यावृत्ति का आरोप। दिल्ली सचिवालय के बाहर स्थायी शिक्षकों के धरने का आज पांचवा दिन, मुख्यमंत्री केजरीवाल से कर रहे हैं स्थायी करने की मांग। शिक्षकों का आरोप, कड़ाके की ठंड में उनकी सुनने वाला कोई नहीं, पहले दिन केजरीवाल ने आकर दिया था आश्वासन। दिल्ली जल बोर्ड के 18 इंजीनियरों को सस्पेंड करने का सीएम केजरीवाल ने दिया आदेश, सीबीआई ने घोटाले के मामले में दर्ज की थी एफआईआर। जल बोर्ड में कई अहम चीजों की सप्लाई में हुआ था 6 करोड़ रुपए का घोटाला, सीबीआई ने 21 जगहों पर की थी छापेमारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिला नया घर, तिलक लेन इलाके में है 3 कमरों वाला नया आशियाना। दर्ज कराई है शिकायत, नस्लवादी टिप्पणी, ड्रग तस्कर और सेक्स रैकेट चलाने के झूठा आरोप लगाए। सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज हो सकता है धारा 342 और 509 के तहत केस, दिल्ली पुलिस कर रही है मामले की जांच।
अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्रालय से की शिकायत, सरकार से की मांग अफ्रीकी मूल की सुरक्षा की जाए सुनिश्चित। खिचड़ी एक्सटेंशन वाले मसले पर विदेश मंत्रालय ने दिलाया भरोसा, दिल्ली पुलिस से अफ्रीकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। बरसों बाद एक ही मंच पर दिखे लालू नीतीश, इशारों में किया एक दूसरे पर निशाना, सुशील कुमार शिंदे भी थे मौजूद। अगर हमको दिखाना और लिखना बंद कर देंगे तो अखबार बंद हो जाएगी, हम नहीं कर। अखिलेश मंत्रिमंडल का विस्तार, अमेठी और रायबरेली के विधायकों को बनाया स्वतंत्र प्रभार का मंत्री, शिवाकांत ओझा को दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। 2 साल के कार्यकाल में चौथी बार विस्तार, अब अखिलेश के मंत्रिमंडल में कुल 60 मंत्री। गोवा के पर्यटन मंत्री के खिलाफ धोखाधड़ी का केस, अदालत के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा। पर्यटन मंत्री दिलीप पारूकर पर जमीन हथियाने का आरोप, तत्कालीन प्रशासक और वकील के खिलाफ भी केस। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण की मुश्किल बड़ी, कोर्ट ने नहीं दी राहत, घोटाले के आरोपियों की लिस्ट से नाम हटाने से इंकार। आदर्श घोटाले पर सवाल पूछे जाने पर झल्लाए केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, कहा महाराष्ट्र सरकार की थी जमीन। क्या है बताओ आप, जगह महाराष्ट्र सरकार की है और देयर वाज नो रिजर्वेशन फॉर कारगिल, व्हाट एल्स। मुंबई यूनिवर्सिटी के निलंबित प्रोफेसर को मिला आदित्य ठाकरे का साथ, कहा लड़ाई में देंगे पूरा साथ। अभी अंदर बात की है, ये आंदोलन सब एक साथ करेंगे, जो आतिकर साहब है उनके साथ हम युवा सेना उतर के करेंगे, तो अभी प्लानिंग बराबर हो के अगर 1-2 दिन में उनका निर्णय नहीं आता है तो हम करेंगे। आतिकर के निलंबन के खिलाफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने भी खोला मोर्चा, गेट पर बैठकर निलंबन वापस लेने की मांग की। महिला पार्षद के आरोपों का शिवसेना विधायक मुसालकर ने किया खंडन, कहा उनके खिलाफ की गई है साजिश। विधायक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस, सार्वजनिक शौचालय में पार्षद का मोबाइल नंबर लिखने का लगा है आरोप। समलैंगिक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन, समलैंगिकों ने फ्लैश मॉब के जरिए किया फैसले का विरोध। जम्मू के दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह, राज्यपाल NN वोहरा से की मुलाकात। जनरल के साथ थे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर संजीव चाचरा, सीमा पर हालातों से राज्यपाल को कराया रूबरू। एटीएम के अंदर लूटपाट रोकने के लिए लगाया जाएगा अलार्म का सिस्टम, बैंगलोर में दिखाया गया सिस्टम का डेमो। बैंगलोर में एटीएम के अंदर महिला पर हमले से देश भर में सुरक्षा पर उठे थे सवाल, बैंकों ने सुरक्षा का खर्च जुटाने के लिए ट्रांजैक्शन पर फीस का रखा है प्रस्ताव। NIA ने गाजियाबाद पुलिस को सौंपी 15 खूंखार आतंकवादियों की लिस्ट, यूपी में किसी बड़ी घटना को दे सकते हैं अंजाम। NIA के अनुसार इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं सभी आतंकी, 2 पर भारत सरकार ने रखा है 10-10 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, 13 करोड़ की हेरोइन जब्त। गुड़गांव में बैंक खातों से जानकारी चुराकर लोगों को लाखों का चूना लगाने वाला शख्स गिरफ्तार, आरोपी बीकॉम का छात्र। फोन के जरिए पूछता था लोगों के बैंक की डिटेल्स, उसके बाद करता था ऑनलाइन शॉपिंग। असम के कोकराझार में एक साथ 4 बसों पर हमला, यात्रियों को नीचे उतारकर मारी गई गोली, 5 की मौत। हमले के पीछे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड पर शक, शुक्रवार रात 10 बजे की ये फायरिंग। श्रीनगर में आर्मी के काफिले पर हमला, अज्ञात हमलावरों ने अचानक काफिले पर बोल दिया हमला। दिल्ली में लड़की को बॉर्न वीडियो भेजने के मामले में गाजियाबाद का एकदार होगा गिरफ्तार, नौकरी से भी निलंबित। आरोपी विकास यादव कविनगर थाने में था तैनात, न्यू अशोक नगर में रहने वाली महिला को भेजा था बॉर्न वीडियो।
मुंबई में एक पुलिस इंस्पेक्टर पर पुरुषों से यौन उत्पीड़न का आरोप, आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। चूना भट्टी थाने में तैनात इंस्पेक्टर महेश पाटिल पर चार नौजवानों ने लगाया आरोप, जांच के बाद दर्ज हुआ मामला। मुंबई के बांद्रा में सलमान के घर के सामने एक मॉडल का ड्रामा, पुलिस से मारपीट का लगा आरोप, मॉडल गिरफ्तार। शुक्रवार देर रात अपनी महिला मित्र के साथ बैठा था मॉडल राजीव रहेजा, कांस्टेबल के पूछने पर भड़का गुस्सा। अमृतसर के मजीठा में 45 मिनट के अंदर पकड़े गए किडनैपर, 12वीं के छात्र का हुआ था अपहरण, साथी छात्रों ने किया था ये अपहरण। CDS मामले में विजय माल्या को बड़ा झटका, कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्रिमिनल केस खत्म करने से किया इनकार। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दायर किया है केस, किंगफिशर एयरलाइंस को और माल्या को भेजा नोटिस। भारत में रीलॉन्च होगा आईफोन 4, कीमत हो सकती है 22,900 रुपए। देश में आईफोन 4 की कीमत थी करीब 26,000 रुपए, लेकिन आईफोन 5 के चलते बंद कर दिया गया था प्रोडक्शन। महिंद्रा एंड महिंद्रा 3 महीने के लिए बंद करेगी गाड़ियों का प्रोडक्शन, बिक्री में कमी के चलते कंपनी ने किया फैसला। मसूरी में भारी बर्फबारी, सड़क से लेकर पेड़ों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर गाड़ियां फंसी, स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ी। उत्तराखंड का औली भी हुआ बर्फ से सफेद, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। भारी बर्फबारी के चलते जोशीमठ औली मार्ग बंद, मशीनों के जरिए सड़क से हटाई जा रही है बर्फ। हिमाचल में भी जमकर हुई बर्फबारी, शिमला पर छाई बर्फ की सफेद चादर। ठंड से दिल्ली हुई बेहाल, 2 दिनों में 6 लोगों की मौत। दिल्ली के रैन बसेरों की हालत खराब, कहीं सुविधाओं का रोना तो कहीं पैर रखने की जगह नहीं। जयपुर में कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन बेहाल, 5.5 डिग्री तक पहुंचा पारा। इलाहाबाद में भारी बारिश के चलते माघ मेला के श्रद्धालु परेशान, तब्बुओं में भरा पानी। बारिश ने प्रशासन के इंतजामों पर फेरा पानी, 1 महीने के कल्पवास के लिए संगम पर जुटे हैं 5 लाख श्रद्धालु। नेपियर वनडे में भारत ने जीता टॉस, पहले टीम इंडिया कर रही है गेंदबाजी। शमी ने भारत को दिलाई 2 ताबड़तोड़ कामयाबी, 5वें ओवर में जेसी राइडर को किया बोल्ड, फिर मार्टिन गुप्टिल को बनाया अपना शिकार। टीम में अजिंक्य रहाणे को मिला मौका, भुवनेश्वर भी प्लेइंग 11 में। टीम इंडिया के 5 गेंदबाजों के साथ पहला वनडे खेल रही है, 3 तेज गेंदबाज के साथ अश्विन और जडेजा की फिरकी टीम में। न्यूजीलैंड में भारत 5 वनडे की सीरीज खेलेगा, विदेशी जमीन पर रिकॉर्ड सुधारने का दबाव। आपके पसंदीदा चैनल आज तक का दुनिया ने फिर माना लोहा, एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड में दिखा जलवा। पूरी टीम की जीत है और लगातार 13 साल से हम लोग आज तक नंबर 1 बना हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों के भरोसे पर हम लोग आज भी कायम रहेंगे और आगे भी हम नंबर 1 बने रहेंगे। NBA 2013 अवार्ड्स में आज तक को न्यूज चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड, आज तक के कार्यक्रम वंदे मातरम को भी अवार्ड। बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम के लिए आज तक के शो अयोध्या को कुछ कहना है को अवार्ड, उत्तराखंड त्रासदी पर रिपोर्टिंग के लिए भी अवार्ड। आज तक के पुण्य प्रसूत वाजपेयी को बेस्ट एंकर का अवार्ड, श्वेता सिंह को बेस्ट न्यूज प्रोड्यूसर का अवार्ड, रितुल जोशी को बेस्ट रिपोर्टिंग का अवार्ड। आज तक चेन्नई एक्सप्रेस को बेस्ट चैनल मार्केटिंग अवार्ड, आज तक बर्फी प्रोमो को भी मिला पुरस्कार।